अस्सलाम वालेकुम, प्रॉपर्टी बैठक बाय इस्लाम स्टेट के चैनल से मैं हूं गुलाम मुस्तफा। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि बहरिया टाउन के अंदर इंस्टॉलमेंट पे आपको कौन सी प्रॉपर्टी मिल सकती है, क्योंकि हमारे बहुत सारे कस्टमर की ये क्वेरी होती है, उनके क्वेश्चंस होते हैं कि बहरिया टाउन की खुद की कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो इस वक्त इंस्टॉलमेंट पे अवेलेबल है। तो इस चीज़ को डिस्कस करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद हैं मिस्टर अतीबुर रहमान और सफदर भट्टी साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? हम आपसे स्टार्ट करेंगे, तो मुझे सबसे पहले बताएं कि बहरिया टाउन के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टी इस टाइम पे अवेलेबल है जिसको इंस्टॉलमेंट के ऊपर कंटिन्यू किया जा सकता है। इस टाइम पर बहरिया टाउन कराची में दो इस तरह की चीज़ें हैं, एक बहरिया ग्रीन्स है और दूसरा सेंट्रल पार्क अपार्टमेंट्स हैं। सेंट्रल पार्क अपार्टमेंट्स की थोड़ी सी डिटेल अगर आपको बता दूँ तो इसमें बहरिया ने दो डील्स दी हैं। एक ओल्ड डील थी जो कि 74,50,000 की थी, क्या उसमें तकरीबन 42 लाख पे हो चुका है और बाकी इंस्टॉलमेंट्स हर क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स हैं उसकी 4,25,000 की। और एक न्यू डील दी है जो कि 90 लाख की है, उसमें 30 लाख डाउन पेमेंट है और बाकी अमाउंट जो है वो 2 साल के इंस्टॉलमेंट्स में पे करनी है। 2 बेड अपार्टमेंट्स हैं 1100 square feet के और 4 बेडरूम के पेंट हाउसेस मौजूद हैं इसमें। ठीक है, तो अभी अगर हम इसमें देखें तो ये जिस इंस्टॉलमेंट जा रही है ये बिल्डिंग्स के ऊपर काम भी स्टार्ट हुआ है? बिल्डिंग के ऊपर भी काम स्टार्ट है साथ साथ, और तकरीबन 4 से 5 फ्लोर्स जो हैं डल चुके हैं। सामने जो सेंट्रल पार्क है 32 एकड़ पे मौजूद है वो फुली ऑपरेशनल है और बन चुका है इस टाइम पे। ओवरऑल वैसे भी अगर आप जाएँ तो प्रिसन 50-51 का जो एरिया है वहाँ पे ग्राउंड वर्क जो आता है वहाँ तक पैराडाइज एवेन्यू तो डेवलप था, उससे आगे फर्दर भी कुछ काम दिखने को मिल रहा है। उस पैराडाइज एवेन्यू को प्रॉपर कंटिन्यू किया जा रहा है, उसका जो बेड है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, दिखने में है कि बहरिया टाउन की तरफ से 2-3 मंथ में कंप्लीट। जी जी इंशाल्लाह, उस पर काम काफ़ी तेज़ी से जारी है। पैराडाइज को अब ये प्रायोरिटी बेसिस पे इस पर काम कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा इस पर डेवलपमेंट है। लॉन्गेजी ब्रिज जो था वो भी अब कंप्लीट हो चुका है, तो काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट इसमें मौजूद है। सही है भट्टी साहब, आप बताएं कि इसमें अब तक हम देखते हैं कि बहरिया पैराडाइज जो है वो स्पेशली ये जो प्रिसन 54 है या सेंट्रल पार्क हैं, सब स्पेसिफिक हम इनकी बात कर रहे हैं, तो इसको निगलेक्ट होने की मेन वजह क्या थी? जी जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। असल में सिनेरियो ये है कि सबसे पहले यहाँ पे डेवलपमेंट का काम नहीं था, बिल्कुल ना होने के बराबर था। ये गेटेड कम्युनिटी है पैराडाइज की, नो डाउट जो है वो इसके नाम से ही नज़र आता है। और सबसे ज़्यादा जो है वो एक हैवी पेमेंट के साथ इसको लॉन्च किया गया था, जिस तरह से अगर 59 लाख के अंदर आपको 250 गज का प्लॉट मिलता है, अगर आप दूसरे ओल्ड बीटीके में जाते हैं या फिर स्पोर्ट्स सिटी में जाते हैं तो वहाँ पे आपको 28 और 36 लाख की जो अमाउंट्स देखने को मिलती हैं। इसको एक हैवी अमाउंट में लॉन्च करने का मकसद ये था कि इसको बिल्कुल हट के जो है ना वो डिज़ाइन किया गया था। और लेकिन बहरिया ने यहाँ पर कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं बनाया, कोई ऐसा काम नहीं किया जिसकी वजह से, या फिर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू नहीं हुआ जिसकी वजह से इसकी जो प्राइसेस हैं वो फिर पीछे की तरफ सीधे चले गए, माइनस में चले गए। लेकिन जैसे ही यहाँ पे डेवलपमेंट का काम कंप्लीट हुआ, उसके बाद जो है इसका जो स्ट्रक्चर था वो बिल्ड होना शुरू हुआ, जिस तरह से अतीब भाई ने बताया, लंगेजी रिवर उसका काम कंप्लीट हुआ है, पोजीशन दे दिया गया है, और इसी वजह से अब जो 10-15 लाख-20 लाख अमाउंट माइनस की तरफ थी वो अब ऑन पे चली गई। ऑन पे चली गई। मेरा आप सब ये सवाल है कि दो डील्स जो दी गई हैं सेंट्रल पार्क अपार्टमेंट्स की, एक 74-50 की है और एक 90 की है, तो ये 15 लाख का गैप आ रहा है बीच में, तो इन दोनों में से कस्टमर के लिए, एंड यूज़र के लिए फ़ायदेमंद कौन सी है? इसमें इस तरह है कि जो ओल्ड डील है उस पर ओन ही तकरीबन इतना है कि जो न्यू डील अगर आप लेते हैं उस पर जो ओन है वो सेम हो जाता है तकरीबन। ओल्ड डील पे आपको ओन मिलता है तकरीबन 6 से 8 लाख, और अगर पार्क फेस है तो उसका तकरीबन 10 लाख तक है। न्यू डील पे इस तरह है कि मिनिमम ओन 2 लाख से स्टार्ट होता है, तो बात तकरीबन एक जैसी ही पड़ जाती है। एग्जैक्टली, लेकिन उसमें पेमेंट प्लान में मेरे ख्याल से आसानी है, पेमेंट प्लान में थोड़ी आसानी है। पेमेंट प्लान है और उसका फर्दर अभी 2.5 साल का पेमेंट प्लान पड़ा है, तो ये आ जाता है। अब बहरिया ग्रीन के हवाले से भट्टी साहब आपसे बात करेंगे, तो बहरिया ग्रीन में भी क्योंकि इंस्टॉलमेंट के ऊपर प्रॉपर्टी अवेलेबल है, तो इसकी डिटेल आप शेयर करें। ये बहरिया ने पाकिस्तान का एक लो कॉस्ट जो है वो एक स्कीम दी थी, जिसके ऊपर ग्राउंड प्लस टू बहरिया का वाहिद प्रोजेक्ट ये था जिसके अंदर आप ग्राउंड प्लस टू जो है कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। यहाँ पर अगर इंस्टॉलमेंट की बात करें तो बहरिया ने 2 डील्स यहाँ पर दी थी, एक जो कि 16,75,000 की थी और दूसरी जो है वो 22 लाख से लेकर 25 लाख की, दूसरी बहरिया ने ये दो जो स्कीम थी बहरिया ने दी थी। अब 16,75,000 की बात करें तो वह उसकी इंस्टॉलमेंट 7 जा चुकी हैं
और जो दूसरी न्यू डील थी उसके हवाले से बात करें तो बहरिया ने कहा था कि आप हमें 12.5 लाख का एक पीओ बना के दे दें तो उसके अंदर बाकी आपको एक साल का हम टाइम दे देंगे, क्योंकि ऑलरेडी बहरिया टाउन इसके अंदर जो ग्रीन था बहरिया ग्रीन इसके अंदर काम काफ़ी हो चुका है। तो इस अब वो जो न्यू डील वाला सीन था पहले एक साल का टाइम था, अब बहरिया ने बढ़ा के 2 साल का टाइम कर दिया वहाँ पर। और इसके अब रेट्स के हवाले से बात करें तो नो डाउट जो अतीब भाई ने बात की है कि डील्स के अंदर अब बहुत ज़्यादा वेरिएशंस आ गई हैं, काम बहुत तेज़ी के साथ हो गया। तो जो 16,75,000 वाली डील थी अब उसके ऊपर 7.5-8 लाख से लेके 11-12-15 लाख तक कौन चल रहा है अकॉर्डिंग टू लोकेशन जो है कैटेगरी के लिहाज से। और जो दूसरी डील है वो भी आपको इसी तरीके से ही जो है वो मिलती है, उसकी अमाउंट पहले ज़्यादा रख दी गई है और उसी लिहाज से उसका वो 1-2.5 लाख रुपए का फ़र्क पड़ता है इसके अंदर। दोनों डील्स देखें तो अराउंड आपको कोई 27-29 की ब्रैकेट में मिल जाती जी है ऑलमोस्ट। बिल्कुल ऐसा ठीक है। और इसके साथ साथ अगेन वेरिएशन वही है कि वो अगर आप न्यू डील लेते हैं तो आपको 1-2 साल का टाइम है जी, लेकिन इसमें मेरे नहीं ख्याल के वेरिएशन फर्दर रह गया, क्योंकि इसमें अगर ओल्ड डील भी हम देखें तो ओल्ड डील का जो पेमेंट प्लान है वो भी 2 साल का बाकी रह गया जी, वो 2 साल का रह गया। और वहाँ पे अगर कंस्ट्रक्शन स्टेटस की बात करते हैं तो नो डाउट जो फ्रेम स्ट्रक्चर था बैरिया का वो बहुत तेज़ी के साथ जा रहा है, तो वो तकरीबन सेम ही हो जाता है दोनों का होना भी आने वाला टाइम में। सही है। तो इसके साथ साथ बहरिया ग्रीन में नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोजेक्ट भी बनाया जा रहा है जी बिल्कुल, वहाँ के हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास है तो क्लाइंट तकरीबन 13 से 14 टावर ऐसे हैं जो कि जिनका जो है रेडी हो चुके हैं, जिनका जो आप ग्रे स्ट्रक्चर है वो तकरीबन रेडी हो चुका है। और हर जो टावर है वो ground+5, ground+6 का उन्होंने डिज़ाइन किया है और हर एक जो फ्लोर है उसके ऊपर 2 फैमिली जो हैं वो रह सकती हैं और आगे भी जो है वो बुनियादें बना दी गई हैं और फाउंडेशन आगे जो टावर हैं तकरीबन ये काफ़ी सारे टावर बनते 40 के करीब ऑलमोस्ट टावर्स हैं जिनके ऊपर काम हो रहा है। और उम्मीद की जा सकती है कि जो ग्रे स्ट्रक्चर जिनका कंप्लीट हो गया है उनको 1 या 1.5 साल के अंदर उनको भी पोजीशन दे दिया जाएगा। तो अच्छा, ये नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोजेक्ट की डील बहरिया टाउन भी कर रहा है या फिर सिर्फ ये गवर्नमेंट की ही है? ये गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो दी जा रही है डील यहाँ पे। ये थी हमारी आज की एपिसोड जिसमें हमने बहरिया टाउन के अंदर आपको किस जगह पे इंस्टॉलमेंट पे प्रॉपर्टी मिल सकती है उसको हमने डिस्कस किया। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।